नमस्कार, आपण पाहत आहात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्र भरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका। हम लोग जो 70 के दशक के लोग हैं उन्हें पिक्चरें बड़ी याद रहती हैं उस वक्त की। तो दो जासूस नाम की एक पिक्चर थी जिसका एक गाना था, दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये जो हमारे यहाँ दो जासूस हैं, इस देश के दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो हम लोग जो 70 के दशक के लोग हैं उन्हें पिक्चरें बड़ी याद रहती हैं उस वक्त की। तो दो जासूस नाम की एक पिक्चर थी जिसका एक गाना था, दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये जो हमारे यहाँ दो जासूस हैं, इस देश के जो दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो वहां की पुलिस को जासूसी में किस तरह से उपयोग उसका करते थे, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आप सबके सामने, उसको दोहराना अच्छा नहीं है। अभी पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहाँ आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। करोड़ों रुपये हमारे और आपके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपये ये ऐसे उपकरण, ऐसे स्पाईवेयर, ऐसे जो इसराइल या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं वो खरीद खरीद कर लगा रहे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा, इसका एक साइको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें तो आपको करना चाहिए। क्योंकि जो शहंशाह हैं, जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है भय और झूठ की, जिसमें नींव है जिस महल की, बड़ा खोखला महल है, इतना खोखला महल है कि आपके एक सवाल से उस महल का भांडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है। तो वो भय इनके अंदर है कि साहब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया तो ये महल हमारा टूट जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर चर्चा करना तो अपराध माना जाता है, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करके देश के चुनावों पर प्रभाव डालना देश प्रेम है। यह है शाह और शहंशाह की परिभाषाएं। चलिए हम मान लेते हैं हम आपके विरोधी हैं, आप हमें पराया मानते हैं, आप हमें दुश्मन मानते हैं, आप हमारी जासूसी करना चाहते हैं, कराइए। लेकिन अपने ही मंत्रियों के फोन में पेगासस क्यों? अरे आपके मंत्री हैं किस काम के कि उनके फोन में आपको कुछ मिल जाएगा? हाँ, इतना मालूम पड़ जाएगा कि कहीं वो उद्घाटन करने नहीं जा रहा हो अकेले, कहीं रिबन काटने कहीं स्मृति जी नहीं चली जाएं, या निर्मला जी नहीं चली जाएं, या पीयूष गोयल जी नहीं चले जाएं, या अश्विनी वैष्णव जी नहीं चले जाएं। इससे ज्यादा तो आपको अपने मंत्रियों से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कुछ वो होगा उनके पास, आपने छोड़ा क्या उनके पास। तो आप अपने ही मंत्रियों, अपने ही देश के पत्रकारों, अपने ही देश के विपक्ष, अपने ही देश की न्यायपालिका, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए इसी देश का पैसा उपयोग करके, दुरुपयोग करके लगाते हैं और जासूसी करते हैं। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका तो मैंने जिक्र किया, उससे पहले अगर आपको याद हो फरवरी में मैंने ही इस पर प्रेस वार्ता की थी, टीम जॉर्ज, मैं और सुप्रिया जी ने यहां बैठकर प्रेस वार्ता की थी, मुझे याद है। इसराइल के जो हैकर्स हैं उनका उपयोग करने की आरोप इन पर लगा। पेगासस की जब मामला बहुत आगे बढ़ गया, और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको याद है कि सरकार ने कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया और आज भी वो सील्ड कवर में बंद है। पेगासस जब बहुत बदनाम हो गया तो जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्वेलेंस वाली सरकार है ये अब नया स्पाईवेयर मार्केट में ढूंढ रही है, और आरएफपी भी इन्होंने निकाला हुआ है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने। ये कॉग्निटो नाम है इसका। तो कॉग्निटो के माध्यम से, कॉग्निटो इसलिए कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ज्यादा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ इस पर आप लोगों ने या किसी ने ज्यादा लिखा नहीं,
तो जो ट्रेडिंग डेटा है एक प्रमुख समाचार पत्र ने निकाला है, कॉग्नाइट स्पाईवेयर उपकरण खरीदा गया है जो पेगासस का विकल्प है, इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो अमेरिकन लॉ फर्म है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेर फेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्र की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर, एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा, मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाईवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी मुझे लगता है, हालांकि ये लोग तो शाह और शहंशाह तो बड़े ट्रेंड हैं। हम यह जानना चाहते हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉग्नाइट से कुछ संचार उपकरण आप लोगों ने खरीदे हैं, खरीदे हैं तो किस मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हैं, उस पर कितना खर्च आया है, और इसी संदर्भ में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्या एक नए स्पाईवेयर को आप अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस स्तर पर कर रहे हैं, और खास तौर पे ऐसा स्पाईवेयर जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक क्षेत्र में कम है, और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP क्या इशू कर दिया है किसी मंत्रालय ने, अगर हां तो वो कौन सा मंत्रालय है। स्पाईवेयर की रेस में अलग अलग दो तीन कंपनियां हैं जो जानकारी मीडिया से ही माध्यम से ही मिली है, लेकिन जो कॉग्नाइट है इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरुपयोग पाए जाने के बाद नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा इसके स्टॉक को डंप कर दिया गया है। पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं है। क्वाड्रीम, इन्होंने कई अलग अलग चीजों से बात करनी शुरू की, अलग अलग कंपनियों से, प्रीडेटर, मैं आपको सारे डिटेल्स इसमें दूं, प्रेस रिलीज में तो है ही, तो मैं दूंगा ही आपको, आपको शायद भेज भी दिया है विनीत जी ने, राजनीतिक रणनीतिकारों, पत्रकारों, विपक्ष, मीडिया तो है ही। आपको याद है CBI के खिलाफ जब मुहिम छेड़ दी थी इन्होंने, आधी रात को CBI पर भी छापा डाला था, तो वहां भी किस तरह से इन्होंने ऐसे स्पाईवेयर्स का उपयोग किया था, ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन इस पे आप लोग चर्चा कम करते हैं, आपको लगता है कि आपके फोन्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। 2019 से पहले पेगासस था, तो 2024 के चुनाव से पहले अब ये कॉग्नाइट का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान बीच में कैम्ब्रिज एनालिटिका का मैं आपको बता ही चुका हूं। तो जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं उनसे हम एक आग्रह भी करना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के अंत में, कि आप हम सबके घरों में ताक झांक करने के स्थान पर जरा सा कुछ वक्त के लिए अपने गिरेबान में झांक लें, कई जवाब मिल जाएंगे। पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाइव न्यूज, धन्यवाद।